अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला आपका नेकबान है। आज के वी लॉग में हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ लेके आए हैं। इस न्यूज़ को ब्रीफ करने से पहले मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहूँगा, वीडियो देखिएगा प्लीज़। और वो फैसला क्या है कि ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा और इम्तिहान किसी कोई ऐसा ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं मिलेगा। आप सब तालिब इलम रहे हैं, मैं भी तालिब इलम रहा हूँ, हमें पता है कि इम्तिहान करीब आता था तो पढ़ाई शुरू होती थी, उससे पहले नहीं होती थी। इम्तिहान का ना लेने का मतलब यह है कि जो पढ़ाई थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। तो इसलिए हमने कहा कि इम्तिहान का होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो लर्निंग लॉसेज हो रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। तो इन वजूहात की बिना पे हमने फैसला किया कि इम्तिहान इस साल हमने ज़रूर लेने हैं। और जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना, ये ऑफिशियल वीडियो है। बाबा तालीम ने बड़ी खूबसूरत अपडेट दी है। उन्होंने बताया है कि 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम होंगे और इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको स्किप कर दिया जाएगा, मतलब इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात, इनके पेपर्स नहीं होंगे। मैथ कंपलसरी है लेकिन वो शामिल होगा, और इसके साथ जो साइंस के सब्जेक्ट होंगे या फिर आर्ट्स के वो सब्जेक्ट जो अलेक्टिव होंगे, जो हम खुद स्टूडेंट चूज़ करते हैं, 9वीं और 10वीं के टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट्स का पेपर होंगे। मसलन मैथ होगा और इसके अलावा 3 अलेक्टिव सब्जेक्ट जो होंगे, इन 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। इसी तरीके से उन्होंने ब्रीफ करते हुए 11वीं और 12वीं का बताया कि 11वीं और 12वीं में 6-6 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होते हैं, जबकि 3 कंपलसरी सब्जेक्ट को स्किप कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो अलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि ICS अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर होगा या कोई और कम्बिनेशन कंप्यूटर के साथ हो सकता है, 3 सब्जेक्ट का उसका एग्ज़ाम होगा। इसी तरीके से प्री मेडिकल के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिर्फ पेपर होगा, और अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है स्टूडेंट तो उसके लिए मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है, बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहे थे, उसमें वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए। तो बाबा तालीम ने ये एक अच्छी न्यूज़ सुना दी उनके लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम बोर्ड्स को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ऑर्डर दिए हुए थे कि 24 जून के बाद वो पेपर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब उन्होंने 24 जून से डेट को बढ़ा के 10 जुलाई पे ले गए हैं। ये उनका अभी तक का हतमी फ़ैसला है, सब्जेक्ट्स के हवाले से भी और एग्ज़ाम की डेट के हवाले से भी। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप मी चॉइस के साथ जुड़ रहेगा, हम आपके लिए नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।